शरीयत ने वली की इजाजत भी लाजमी करार दी है। यह हदीस कई तरुक से मरवी है और काबिल कबूल है। ला निकाह इल्ला बिवली, इसके और भी अल्फाज और भी अंदाज से मरवी हैं। कुरान मजीद में कई जगहों पर अल्लाह ताला ने वलीउल अमर को, जो वली है सरपरस्त है, उसको मुखातब किया है कि अपनी बच्चियों की शादी मुशरिकीन मर्दों से और इस तरह गुलामों से मुशरिकीन से ना करवाओ, अपनी औरतों को इस तरीके से मजबूर ना करो, तुम इस तरीके से ना करो। हर जगह पर कुरान मजीद में भी और अहादीस में भी वलीउल अमर को खिताब है। लिहाजा ये क्यों है? लड़की नहीं जानती है लड़का कैसा है। वो अगर उसके साथ रहती भी हो, पढ़ती भी हो, उसके साथ उठना बैठना आना जाना भी हो, बड़े माजरत के साथ मर्द की निगाह और उसकी फितरत और उसकी तबीयत मिजाज को एक मर्द ही समझ सकता है। औरत को बहुत बाद में जाके पता चलता है ये अंदर से क्या था, वो लड़का कहाँ जाता है, कहाँ उठता बैठता है, रात इसकी कैसे गुजरती है। आजकल मोबाइल का दौर है कि ये कामकाज क्या करता है, हलाल है हराम है, अखलाकी तौर पर कैसा है, मस्जिद जाके नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता, क्या करता है क्या नहीं करता, ये सारे काम कौन देखेगा? एक औरत के बस की बात तो नहीं है, तो मर्द की बात है। और एक किसी शख्स की बेटी है तो वो अपनी बेटी, एक ये उसका एक नगीना है, एक उसके लिए सबसे कीमती चीज़ है उसकी ज़िंदगी की, वो कैसे किसी बुरे आदमी को सौंप सकता है, कैसे एक ऐसे आदमी को सौंप सकता है जो इसकी कदर ना करे। तो अपने एतबार से तो अच्छा रिश्ता तलाश करता है, या जो रिश्ता आता है उसमें अच्छाइयाँ ढूंढता है। तो ये भी शरीयत ने इसीलिए लाजमी करार दिया है। तो ये भी शरीयत के मकासद से है और ये भी शरीयत के मकासद से, दोनों की रजामंदी ज़रूरी है। लड़की की वली के बगैर निकाह नहीं होता। भाग कर शादियाँ कर लेना वली की मौजूदगी में, लड़के के वालिद की या भाइयों की मौजूदगी में लड़की जाकर कोर्ट मैरिज कर ले, शरी तौर पर ये निकाह सारे के सारे बातिल निकाह है, इनकी कोई हैसियत शरीयत में नहीं है। लिहाजा ये भी ख़तरनाक मसला है, इसको भी ज़रा सा समझ के रखिए। इस मोबाइल की वजह से और इस सोशल मीडिया की वजह से हमारी नस्लें जिस तरफ जा रही हैं, ये परेशानियों का सामना हमें बाद में करना पड़ता है। घरों के अपने अपने मामलात होते हैं, बाहर नहीं निकलते, आवाज़ें बाहर नहीं आती, लेकिन सब आम तौर पर जानते हैं कि क्या हो रहा है हमारे घरों में और क्या कैफियत है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए, हमारे इस मामले को हल फरमाए।